السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا ومرحبا. في هذا الدرس من مختارات الأول، فهذا الفصل معنون بالظلم يؤذن بالخراب. ظلم بيغار كي وارنينج ديتا هي، हलाकत की इत्तिला देता है और उसकी दलील है, उसका पेश खेमा है। मुबाजान जो बहराम के जमाने में दीन का जिम्मेदार था, उनका नासिक और उनका दीन का बड़ा था, उसने उसको नसीहत की बादशाह को उल्लू की मिसाल देकर कि तुम्हारे दियार में उल्लू बसना चाहते हैं, यानी सब बर्बाद हो गया है तुम्हारा मुल्क। वह अंत अय्युहल मलिक, नीचे से चौथी लाइन, तुमने ए बादशाह अमत्त इला दिया, दयातुन की जमा दिया, दयातुन की जमा दिया, उसके मायने जायदाद, जमीन। तुमने जमीनों का रुख किया, अमदा इला रुख करना, फंतजअतहा, और जमीनें तुमने छीन ली, मिन अरबाबिहा, उसके मालिकों से, वउम्मारिहा, और उसके असल आबाद करने वालों से, आमिर आबाद करने वाले, अमारा यामुरु, जो असल मालिक थे उनसे जमीनें छीन ली, वहुम अरबाबुल खराज, जो खराज देने वाले लोग थे, टैक्स देने वाले लोग, टैक्स वाले, ومن تؤخذ منه الاموال منهم الاموال, जिनसे माल लिया जाता था बतौर टैक्स, तो उनसे तुमने छीन ली जमीन और जायदाद, واقطعتها الحاشيه والخدم واهل البطاله, اقطع دو مفعول चाहता है, जैसे आप कहेंगे اقطعتك هذا البيت, मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया, यानी तुमको लिख दिया है, तुम्हारे नाम पट्टा लिख दिया इसका, तो इसमें मफूल अव्वल मुअख्खर हो गया है और मफूल सानी मुकद्दम हो गया। अक्ता अलहाशियता, वो जमीन तुमने नाम कर दी है और वो दे दी है अपने हवाशी को, यानी अपने आसपास के लोगों को, वल खदम, और अपने खादिमों को, अहल बताला, और बेकार लोगों को, बताला कहते हैं बेकारी को, बेकार जिनके अंदर काम करने की, आबाद करने की सलाहियत नहीं है, तो तुम्हारे हवारी थे, मवाली थे, उनको दे दी है तुमने असल मालिकों से लेकर। फतरकुल इमारत, वो तो कुछ करने वाले नहीं थे, उन्होंने उन जमीनों को आबाद करना, जोतना और बोना छोड़ दिया। वन नजर फिल अवाकिब, अंजाम में गौर करना छोड़ दिया। वमा युस्लिहु दिया, उन सारे उमूर को और उन कामों को छोड़ दिया जो काम जमीन को सही रखते हैं। असलाह युसलिहु, मैंने सही रखना, सालेह रखना, दुरुस्त रखना या दुरुस्त करना, जो चीजें जमीन की मसलहत वाली थी उनको सबको छोड़ दिया, आबाद को, साफ सफाई को, बोने को, या अगर तो इमारत कायम करने को छोड़ दिया। वसूमिहु फिल खराज, फिर उनसे रियायत की गई, सामह मने रियायत करना, और सुमिहु फेल मजहूल है, उनसे रियायत की गई, उनको माफ रखा गया, फिल खराज, खराज लेने में, लिकुर्बिहिम मिनल मलिक, बादशाह से कुर्बत की वजह से, वकअ अलहैब, और ज्यादती हुई, वकअ मने वाक़े हुई, अलहैब मने जुल्म, ज्यादती की गई हुई, अला मन बकिया मिन अरबाबिल खराज, बाकी जो खराज देने वाले लोग थे, उम्मारिज़िया, और जो जमीन और जायदाद के आबाद करने वाले और उसको सही रखने वाले और उससे पैदावार करने वाले लोग, जो बाकी लोग थे, उन पर ज्यादती की गई, इनसे खराज नहीं लिया गया। अब दूसरे जो जमीन जायदाद वाले, जिनके पास कुछ जमीनें रह गई हैं, अक्सर तो छीन लिए लेकिन किसी के पास रह गई है, तो उनसे ज्यादा खराज लिया जा रहा है, इनकी भरपाई भी की जा रही है, उन पर जुल्म किया गया। वकाल हाइफू, ताबीरात भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
वफ़ाअल हैफ़ु अला फुलानिन, फलां पर जुल्म हुआ है। फंजलो, तो बेचारे वो लोग जिनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था, वो लोग हिजरत कर गए। इंजला माने वहां से चला जाना, जिला वतन हो गए। अनज़ियाहिम, अपनी जमीनों से, अपनी जायदाद से हिजरत कर गए वो। वखल्लौ दियारहुम, और अपने अपने दियार को, अपने इलाकों को उन्होंने छोड़ दिया। खल्ला युखल्ली, तखलियतन छोड़ देना। वआवौ इला मा तअज़्ज़रा मिन अज़्ज़ियाए, और पनाह ली ऐसी जमीनों की तरफ जो दुश्वार जमीनें और दूर उफ्ताद थी। तअज़्ज़रा माने दुश्वार होना, जहां कम पैदावार हो और कोई पहुंचे नहीं तो वहां चले गए ताकि उनको ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। ताज़ारा या ताज़ार, मुश्किल होना, दुश्वार होना। दुश्वार जो जमीनें थी जहां कम पैदावार थी, दुश्वार जमीन का मतलब आबाद नहीं। फसकनूहा, तो वहां रहने लगे। फकल्लतिल इमारा, तो आबादी कम हुई। आबादी और पैदावार, जमीन की आबादी, जमीन को यानी आबाद रखना कम हो गया। वखरिबतिज ज़िया, और जायदादें वीरान हो गईं। कल्लतिल अमवाल, माल भी कम हो गया। वहलकतिल जुनूद, जब माल कम हुआ हुकूमत का, टैक्स नहीं आ रहा है अब, क्योंकि जो असल लोग थे टैक्स वाले वो छोड़ दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे ज्यादा लिया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो वो जमीन और जायदाद लेके बैठे हुए हैं, उनसे टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है, वो जमीनों को कुछ काम में भी नहीं ला रहे हैं, ऐसे माल कम हो गया हुकूमत का। लश्कर हलाक हो गया जब माल कम हो गया, तो रियाया भी हलाक हो गई। और रईयत वतमिया, इस तरीके से मुल्क कमजोर हो गया पूरा। और वतमिया फी मुल्क फारिस, फिर आपके ईरान के मुल्क में लालच करने लगे। मंजावरहुम मिनल मुलूक, आस पास के बादशाह जो ईरानियों के पड़ोस में है, जावरा माने पड़ोस में होना, वो लोग मिनल मुलूक बादशाहों में से, तमिया उन्होंने लालच की मुल्क ईरान में यानी बहराम के मुल्क में, तुम्हारे मुल्क में ए बादशाह। लिइल्मिहिम, क्यों लालच करने लगे, क्योंकि वो जान गए बिन किताइल मवादी के वो असबाब और वो जरूरी चीजें, मवाद खत्म हो चुका है मुल्क ईरान का और वो असबाब खत्म हो चुके हैं कि मुल्क के दाइम, मुल्क के सुतून कायम नहीं रह सकते। इल्ला बिहा, जिस मवाद के बगैर और जिन जरायों के बगैर, जिन असबाब जराए के बगैर मुल्क का सुतून मजबूत नहीं रह सकता, कायम नहीं रह सकता, यानी ताकत व कुव्वत, मालो दौलत और आबादकारी, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई है, तो ईरान कमजोर हो चुका है। तो दूसरे लोगों ने लालच की, हमला करने। फलम्मा समिअ अल मलिक ज़ालिक, बादशाह ने जब ये बात सुनी बहराम की, तो अकबल अला नज़र फी मुल्की ही, उसको तनब्बु हुआ, वो मुतवज्जे हुआ अपने मुल्क में नजर करने के सिलसिले में, यानी अपने मुल्क को दुरुस्त करने और अपने मुल्क के बारे में गौर करने की तरफ मुतवज्जे हुआ। वन तुज़ियाति, अपने मुल्क पर तवज्जो करने के लिए मशगूल हुआ वो। अकबल आला के मायने मुतवज्जे होना। वन तुज़ियाति ज़िया, फिर जमीनें ली गईं, मिन ईदिल खासा, जो खवास लोगों को दे दी गई थी, असल लोगों से लेकर उनसे वापस छीनी गई। वो रुद्दत, और वो वापस की गई असल मालिकों तक। इला अरबाबिहा, वो हुमिलू अला रुसूमिहिम अस्सालिफा, और उनको फिर हुमिलू, उनको रखा गया, उनको बाकी रखा गया उनकी पुरानी शर्तों और कवानीन पर, कि जितना टैक्स पहले देते थे उतना ही टैक्स लिया जाएगा। पुराने कवानीन पर उनको रखा गया। हुमिलू, उनको महमूल किया गया, मतलब उनको उसी कानून के मुताबिक रखा गया। वा अखजू फिल इमारा, फिर वो लोग जब अदल देखा उन्होंने, तो वो अपनी जमीनों को आबाद करने लगे कि अब हम पर जुल्म नहीं होगा, हमसे जमीन नहीं ली जाएगी, पैदावार हम ही रखेंगे, बस थोड़ा बहुत टैक्स देंगे। रसूम, कानून को कहते हैं, रस्म की जमा रसूम, कानून और शराइत, जो कंडीशंस थी पुरानी उन्हीं के मुताबिक उनको जमीन
का जिम्मेदार बनाया गया। वकवी मन ज़ौफ़ मिन्हुम, अब जो कमजोर था फिर ताकतवर हो गया। फअमरतिल अर्ज़, ज़मीन आबाद हुई। वअख़सफ़तिल बिलाद, मुल्क सरसब्ज़ शादाब हुआ। वकसरतिल अमवाल, माल ज्यादा हो गया। इंद जुबातिल खराज, जाबा जबा यजबी माने जमा करना, जबल खराजा जाबी काजी के वजन पर उसकी जमा जुबात, जबा यजबी का फाइल जाबी उसकी जमा जुबात, खराज लेने वाले लोगों के पास खूब माल आया तो वो मुल्क का माल हुआ। वकवियतिल जुनूद, फिर उससे लश्कर को तकवियत मिली। वकुतियत मवादुल आदा, फिर दुश्मनों के मवाद खत्म हो गए, जो उनकी लालच हो रही थी उनकी ताकत बढ़ रही थी, दुश्मनों की ताकत मुनकते हो गई, कुतियत काट दी गई। वो शोहिनत सुगूर, सरहदें फौजियों से भर दी गई। शोहिना माने मोलिया, सरहदें भर दी गई, फौजी तैनात हो गए। वह अकबल अल मलिक, बादशाह खुद मुतवज्जे हुआ। अला मुबाशरत उमूरी, अपने मुआमलात अंजाम देने पर। बेनफसी बनफ से नफीज। फहसुनत अय्यामुहू, उसकी हुकूमत अच्छी हो गई। वन तोजमा मुल्कु, उसका मुल्क उस्तवार हो गया, उसका इंतजाम सही हो गया, दुरुस्त हो गया। फतफहमु मिन हज़ील हिकायती, तो इस हिकायत से आप समझ लेंगे। अन ज़ुल्म मुखर्रिबुन लिल उमरान, के ज़ुल्म आबादी को बर्बाद करने वाली चीज है। वअन्न आइदतल खराब फिल उमरान अला दौला, और आबादी की बर्बादी का असर आदा याउद माने लौटना मुल्क पर, दौला मुल्क पर जो चीज लौटेगी यानी जो असर होगा आबादी के खराब और बर्बाद होने का मुल्क पर, वो क्या होगा? बिल फसाद, आबादी के खराब होने का असर मुल्क पर फसाद से पड़ेगा। वल इंतकाद, और जवाल और पसपाइयत से पड़ेगा, मुल्क जवाल पजीर हो जाएगा। इंतकाजा माने बिखर जाना। वला तंजुर फी ज़ालिका, बहरहाल आबादी बर्बाद होगी जुल्म करने पर, और आबादी बर्बाद होगी, जमीनों को आबाद करना छोड़ेंगे लोग और बसना छोड़ेंगे, बसाना छोड़ेंगे तो मुल्क कमजोर हो जाएगा, ये असर पर। वला तंजुर फी ज़ालिका, तुम ये ना देखो इला अन्नल इतिदा, कि कभी ज्यादती होती है बड़े बड़े शहरों में। मिनद दुवलिल लती बिहा, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में, जिस मुल्क में वो शहर होते हैं। वलम यका फीहा खराबुन, और उसमें कोई बर्बादी नहीं होती। जुल्म आप कह रहे हैं जुल्म से बर्बाद होती है आबादी, तो कभी कभी बड़े बड़े शहर तो बाकी रहते हैं हालांकि जुल्म होता है, उसमें बर्बादी जाहिर नहीं होती। लम यका फीहा, वाकई नहीं होती। तो ये ना सोचो, वालम क्योंकि, समझो अच्छी बात के, समझ लो कि अन्नज़ालिका कि जो जाहिर नहीं हुई है बर्बादी जुल्म के बावजूद, तो इन्नमा जाआ, ये इसलिए पेश आया कि मिन क़िबलिल मुनासबती बैनल इतिदा, या कह लीजिए बर्बादी हुई है। अन्नज़ालिका से मुराद अन्नज़ालिकल खराब, कि उस शहर में जिसमें जुल्म हो रहा है आपको बर्बादी नजर नहीं आ रही है, वो बर्बादी हुई है। अन्ना अल खराबा जाआ, बर्बादी आई है। मिन क़िबलिल मुनासबा, तनासुब से, बैन अल एतिदा ज्यादती और शहर वालों की हालत के तनासुब से। मुनासबा या तनासुब के मायने में, मतलब शहर की बड़ी आबादी होती है, बड़ी रियाया होती है, बड़े काम धंधे होते हैं, अब जुल्म थोड़ा सा हो रहा है तो उसमें जाहिर नहीं हो रहा है, तनासुब कम है ना, इसलिए तो जुल्म और शहर वालों के अहवा है। फलम मकानल फलम मकानल फलम मकानल फलम मकानल मिस्र कबीरन, तो चुनांचे शहर बड़ा होगा। वो इमरान कसीरन, और जब शहर की आबादी ज्यादा होगी और उसके अहवाल बहुत फैले हुए होंगे, बिमा ला यनहसर, के आप उसको शुमार नहीं कर सकते और अंदाजा नहीं कर सकते, उसको नोट नहीं कर सकते, इतने अहवाल फैले हुए, इतनी आबादी, इतने कारखाने। तो काना वुकू नफ्स फी बिल इतिदा वज़ुल्म, तो जुल्म ज्यादती से उसमें जो नक्स पेश आएगा, ला यसीरन, वो थोड़ा सा होगा। इतना बड़ा मुल्क है, उस जुल्म कहीं कहीं हो रहा है, तो जो नक्स पेश आया है बर्बादी, वो ला यसीरन, थोड़ी होगी। लेना नक्सा, इसलिए कि नक्स यकाओ बित तदरीज, धीरे धीरे वाक़े होता है। फैजा खफिया,
और वो मख्फी अगर हो जाता है नक्स बिकसरतिल अहवाल, शहर के हालात के ज्यादा होने, यानी हालात का मतलब शक्लें और मजाहिर और काम धंधे, वत्तिसाइल आमाल और काम धंधों के बढ़ने और फैलने, फिल मिस्र शहर के अंदर ये ज्यादा आबादी की वसात है और मकानात की वसात है, कारखानों की वसात है, तो वो जुल्म का असर खफिया मख्फी रहता है, लम यजहर असरु उसका असर जाहिर नहीं होता है, इल्ला बादा हीनिन मगर एक वक्त के बाद। इजन फैजा खफिया, अच्छा तो जब मख्फी रहा वो नक्स तो लम यजहर असरुहु, वो मख्फी क्यों रहा असर नक्स का, नक्स जो वाकई हुआ जुल्म से, जब वो मख्फी रहा हालात के वसी होने की वजह से शहर में, अब ये इजा का जवाब ये है लम यजहर, वो मख्फी रहा तो अब उसका असर एक वक्त के बाद जाहिर होगा, लम यजहर असरु ये इजा का जवाब ये है लम यजहर। वक़द तज़हबु तिल्क अद-दौलतुल मुतदिया, कभी कभी वो जालिम हुकूमत खत्म हो जाती, मिन असलिहा सिरे से, अबल खराब मिस्र और शहर उजड़ता नहीं है शहर के उजड़ने से पहले ही, और दूसरी हुकूमत आ जाती है, फतरकऊहु फिर वो उसमें पैवंदकारी कर देती, यानी उस नक्स को पूरा कर देती है, उसकी भरपाई कर देती है, उसकी तलाफी कर देती है, बिजिद्दतिहा अपने नएपन से, नया आदमी आता है तो नया हौसला होता है, नए इरादे होते हैं, तो अपने नएपन से, अपनी जिद्दत से, अपनी कुव्वत से उसमें पैवंदकारी कर देती है उस नक्स में, वतजबुरु नक्सा उस खला को पुर कर देती है, जबरा माने तलाफी करना, नक्स की तलाफी कर देती है, अल्लज़ी काना खफियन और जो नक्स हुआ था लेकिन छुपा हुआ था उसने तो उसको खत्म ही कर दिया दूसरी हुकूमत ने, फला यकादु युशअरु बिही तो उसका एहसास नहीं होता है, और लोग समझते हैं कि जुल्म हो रहा है लेकिन वो जाहिर वो उसका तो कोई असर ही नहीं हुआ, नहीं असर हुआ लेकिन जाहिर नहीं हुआ, इल्ला अन्न ज़ालिका फिल अक़ल्लिन नादिर लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, वरना अक्सर जुल्म होता है तो आंखों से देख लिया जाता है बर्बाद होना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबी वाला आलिही वसहबी अजमाइन।